अगर आप किसी को देख लेने की धमकी देते हैं, जैसे कहते हैं कि आप किसी को देख लेंगे, तो आपको इसके लिए जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, साथ ही आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीसी की धारा 503 और आईपीसी की धारा 506 में क्या प्रावधान है, क्या सजा है और कैसे इसमें जमानत मिलती है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूँ कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई व्यक्ति किसी को कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा तो धारा 503 के तहत यह एक क्राइम है। ऐसा करने पर आईपीसी की धारा 506 के तहत 2 साल से लेकर 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर आप किसी के शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं तो आपको 2 साल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी को जान से मारने या आग लगाकर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने या फिर किसी महिला के चरित्र पर लांछन लगाने की धमकी देते हैं तो आपको 7 साल की सजा हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 506 में थोड़ा डिटेल से। यदि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को धमकी देता है, जैसे कि किसी को जान से मारने की धमकी देना या किसी को आग से जलाना या किसी की प्रॉपर्टी को आग से जलाकर खत्म करने की धमकी देना या किसी का रेप करने की धमकी देना, तो इस तरह की धमकी आपराधिक यानी क्रिमिनल धमकी कहलाती है। ऐसी धमकियां देने पर आईपीसी की धारा 506 लगती है। धमकी के साथ साथ ही अगर कोई व्यक्ति किसी इज्जतदार औरत की आबरू पर, उसकी इज्जत पर लांछन लगाता है तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 506 लगती है। धारा 506 में 7 साल की सजा या जुर्माना या सजा या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, आईपीसी की धारा 506 में किसी भी गवाह की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। पीड़ित यानी जिसको धमकी दी गई है, अगर वह कोर्ट में यह साबित कर दे कि उसको किस चीज के लिए धमकी दी गई है तो धारा 302 और 307 से भी ज्यादा यह खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसमें जमानत कैसे मिलती है। दोस्तों, किसी भी अपराध को कम नहीं समझना चाहिए, इसलिए आपको किसी ऐसे वकील को नियुक्त करना चाहिए जो ऐसे मामलों में पहले से ही पारंगत हो, जिससे आपके केस को जीतने का अवसर और भी बढ़ सकता है। दोस्तों, आज आपने जाना कि आईपीसी की धारा 503 और 506 में किस तरह से प्रावधान है, क्या सजा है और कैसे जमानत मिलती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।